आज सब लोग घर में हैं। जब सब लोग घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ खाने की डिमांड तो बनी ही रहती है। आज सबको चाय के साथ कुछ अच्छा सा स्नैक्स खाने का मन है। जल्दी से क्या बनाया जाए? याद आया, कुछ पुलाव बचा हुआ है। लेफ्ट ओवर पुलाव से हम बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल कम ऑयल में और बहुत ही जल्दी कटलेट्स बना सकते हैं। सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। वेलकम बैक टू सुसैम किचन मैजिक बाय मोनिका। आइए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। सबसे पहले मैं ऑयल गर्म करने के लिए रख दूंगी। जब तक ऑयल गर्म होगा कटलेट की तैयारी भी हो जाएगी। ये मेरे पास करीब 2 कप चावल है और 1/4 कप मैंने सूजी ली है। थोड़ा चाट मसाला, नमक और गरम मसाला। आप क्वांटिटी अपने पुलाव के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपके पुलाव में नमक कम है तो आप उसी अकॉर्डिंग इसमें नमक और मसाले ऐड कर लीजिए। अब हम सूजी और सारे मसाले एक साथ डालकर इसे अच्छे से हाथ से मथ लेंगे। पुलाव को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से हाथ से मथ लेंगे जिससे इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। अगर आपको सूजी थोड़ा कम लग रही हो तो आप और ऐड कर लीजिए। ये हमारा पुलाव मथकर एकदम रेडी है और ये देखिए इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ गई है। अब आप इसे जो भी शेप देना चाहें वो देकर कटलेट हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे मिक्सचर को कटलेट की शेप दे दी है। अब हम इन्हें मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे। कटलेट्स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। आपको फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसे मीडियम गैस पर ही फ्राई करें, तेज गैस पर फ्राई ना करें, नहीं तो ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। हमारे सारे कटलेट बनकर एकदम रेडी हो गए हैं और ये देखिए कितने क्रिस्पी कटलेट बने हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी ये कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं और ऑयल इनमें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगता। सबको पसंद भी बहुत आते हैं। एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।